और ऐसी वाहियात एडवाइसेज के अगर इंजरी से बचना है, मसल बिल्ड करना है, तो ये सारी एक्सरसाइज छोड़ दो, ये एडवाइस लॉन्ग रन में आपके इंजरी के चांसेस उल्टा इंक्रीज करेंगे। मेरी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉमैन करने के लिए और अपनी मिस्टेक्स को छुपाने के लिए नवजोत जैसे लोग बारबेल बेंट ओवर रोइंग को स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट से कंपेयर कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था, अगर आपको अपने लैट्स और अपर बैक को ट्रेन करना है तो बारबेल बेंट ओवर रोइंग एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, पर अगर आप स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट कर रहे हो एप्रोप्रिएट रेंज ऑफ मोशन के अंदर एप्रोप्रिएट लोड के साथ, तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है और इसका आपको रियल लाइफ के अंदर भी बेनिफिट मिलेगा। और मैंने स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट के ऊपर वीडियो बनाई हुई है जो नवजोत जैसे लोग सोच भी नहीं सकते, जैसे आपकी लिम्ब लेंथ आपके स्क्वाट की पोजीशन को कैसे अफेक्ट कर सकती है। और अगर मैं बारबेल बेंट ओवर रोइंग की बात करूं, ये एक्सरसाइज तो फंक्शनल भी नहीं है, आपको रियल लाइफ में बारबेल बेंट ओवर रोइंग करने को कोई नहीं बोलेगा। हाँ, शायद आपको कोई डेडलिफ्ट करने को बोल सकता है, पर बारबेल बेंट ओवर रोइंग करने को आपको कोई नहीं बोलेगा। और नवजोत को मैं एक ही बात बोलूंगा, मेरे ऊपर इनडायरेक्ट वीडियोस बनाने से अच्छा आप लाइव डिबेट पे आओ, ऑडियंस खुद जज कर लेगी कौन सही है कौन गलत।